एंड आई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा ये, आप ये देख रहे हैं ये पेंटिंग, इसका एक मैं आप जो खासियत दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए ऊपर जाके। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे आपका सिद्धार्थ। तो मेरे शहर में धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, हम लोग बाहर निकलने में थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा बहुत आलस भी कर लेता हूँ मैं। तो फिर चलिए कोई नहीं, अब से मैं प्रॉमिस तोड़ देता हूँ, बट इस बार मैं पक्का वाला प्रॉमिस किया, मैं रेगुलर रहूँगा ब्लॉग में। आज मैं जाने वाला हूँ कहाँ, NIT घाट। वहाँ पर सुना हुआ 3D पेंटिंग हुआ है, तो चलिए फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हाँ गाइस, तो अभी हम लोग गंगा जी वाले रास्ते पे, तो आप लोग को मैं यहाँ से आगे का मैं टाइमलैप दिखाता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है सुबह सुबह का, तो देखिए फिर। हाँ गाइस, तो हम लोग अभी हैं बदर घाट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी प्यारा व्यू हमारे गांधी सेतु और गंगा माँ। तो यहाँ पे सुबह ही काफ़ी भीड़, मतलब कि सुबह 6:30 बज रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। मतलब कि ये लोग संडे है ना, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, टहलने आते हैं, कुछ लोग रनिंग करने आते हैं। एंड यहाँ पे सुबह का ये नज़ारा, ये एयर, फ्रेश एयर यार, ये फील आपको उन कमरों में, बंद कमरों में नहीं पता चलेगा। आप लोग कभी यहाँ पे आओ सुबह सुबह गंगा माँ के किनारे, और महसूस करो इस प्यारे से हवा को, यहाँ के नेचर को। तो हाँ गाइस, हम लोग NIT मोड़ के पास आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये है NIT मोड़। हाँ, इसी के अंदर NIT मोड़ हुआ ये। एंड यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पटना मेट्रो का काम चल रहा है। चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। हाँ गाइस, तो NIT से थोड़ा अंदर आने के बाद, तो आपको यहाँ पे दिख जाता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बस NIT मोड़ थोड़ा आगे आने के बाद, तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, शायद इसी के नाम पे हमारा NIT घाट भी पड़ा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। हाँ गाइस, तो मैं यहाँ NIT पहुँच चुका हूँ, एंड यहाँ का नज़ारा यार हमेशा एक अलग ही फील आता है, अलग ही वाइब से, मतलब यहाँ पे हवा, यहाँ का सब चीज़ नेचुरल एयर सुबह का। एंड अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं हरे हरे चूड़ियाँ, फूल, एंड यहाँ पे काफ़ी लोग स्नान करने आए हुए हैं। चलिए फिर आपको आगे और दिखाता हूँ। सुबह से काफ़ी लोग नहा रहे हैं, लोग के यहाँ पे डॉग्स भी नहा रहे हैं। देखो आप यहाँ पे सुबह सब स्नान करते हुए। वेलकम बैक। तो हम लोग जिस लिए NIT आए थे, मतलब हम लोग यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे न्यू 3D पेंटिंग यहाँ पे बना है, तो हम लोग वही देखने के लिए आए थे। आपको मैं बता नहीं चलता हूँ कितना खूबसूरत लगता है, तो आपको मैं पहले उसका कुछ दृश्य दिखाऊंगा, एंड उसके बाद मैं एक टाइमलेस में आपको पूरा उसको करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे। हाँ गाइस, तो ये खूबसूरत नज़ारा, और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, तो हमारे सामने आप जो ये देख रहे हैं, ये 3D पेंटिंग, जैसे कि हमारे यहाँ पे बिहार का दृश्य, हमारे यहाँ जो भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे कल्चर को रिलेटेड, एंड यहाँ पे स्टडी के रिलेटेड, मतलब कि एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे हर चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे, मतलब 3D पेंटिंग बनाया गया है। और आपको मैं बताऊँ तो देखने में यार इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत। इस पेंटिंग का सबसे बढ़िया एक चीज़ है वहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, काफ़ी अच्छा अच्छा है, यहाँ पे स्टडी को रिलेटेड है, एंड काफ़ी दिमाग के साथ ये सब चीज़ बनाया गया है। सबसे खूबसूरत चीज़ मैं दिखाता हूँ इस पेंटिंग का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे फ्लावर्स, पैरोट्स, देखिए ऐसे यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट, हमारे सेव वाटर, एंड आपको मैं दिखाता हूँ। हम लोग आ ही गए हैं, पहले आपको ये दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये दीवार टूट रहा था, नीचे ख़त्म हो गया था, उसको मतलब दिखा दिया गया कि ख़त्म हो चुका है। एंड आई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा ये, आप ये देख रहे हैं ये पेंटिंग, इसका एक मैं आप जो खासियत दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए ऊपर जाके।
ये पेंटिंग इतना ही है, ठीक है, ये लास्ट है। और इसके ऊपर आप देखो यार, इस पेड़ से इसको कनेक्ट कर दिया गया यार, इस पेड़ को से इसको कनेक्ट कर दिया गया। आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे पेंटिंग, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता हूँ इसके बारे में यार, मतलब कि ये मतलब इतना खूबसूरत पेंटिंग है जिसने ये बनाया है ना यार, क्या बताऊँ यार क्या बनाया है। देख ऊपर का पेड़ देखो, नीचे का पेंटिंग, यहाँ से आप जो भी लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं वो एक बार रुक के जरूर देखते हैं। यहाँ पे सभी लोग, कैसा लगा भैया, कैसा लग रहा है? लग रहा देखे हो ना एकदम हूबहू, मतलब उसका आधा बना दिया ना। तो यहाँ पे अब धूप भी निकल चुका है यार, क्योंकि टाइम हो गया है 8, मतलब कि 8 बज गए हैं सुबह के। एंड यार इस पेंटिंग को देखने के लिए हम लोग आए थे, मतलब इसके बाद आपको मैं और भी दिखाऊंगा एनआईटी घाट के बारे में, मतलब कि यहाँ पे तो ये सब उस साइड ही बहुत सारा चीज़ है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी गंगा आरती का दृश्य, स्मार्ट सिटी पटना। चलिए आपको आगे और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे देख सकते हैं यूथ हमारे, देखिए ये आई डोंट नो टिकटॉकर है या डांसर, बट यहाँ पे ओ भाई भाई। तो हम लोग तो आपको मैं अभी इस साइड मतलब कि एनआईटी का लेफ्ट साइड दिखा दिया, अब मैं आपको चलता हूँ एनआईटी का राइट साइड दिखाता हूँ, ठीक है, इस साइड भी क्या क्या है क्या नहीं आपको दिखाने चलता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मॉडल्स हैं शायद, ये इनका यहाँ पे सूट चल रहा है, DSLR विथ फैशन। तो एनआईटी की साइड नीचे देख सकते हैं जैसे कि एक बैठने के लिए स्टेयर्स, एंड यहाँ पे पिक क्लिक करवाने के लिए मैं जैसे आप पीछे देखे थे अभी आप लोग थोड़े से पहले कि वहाँ पे एक मॉडल लोग, मतलब कि एनआईटी है कि आप यहाँ पे आके सुबह सुबह टहल सकते हैं, फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं, एंड यहाँ पे नेचर का फील ले सकते हैं, मतलब ये जगह है कि यहाँ पे आप लोग आकर एक अच्छा टाइम यहाँ पे आके आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। भाई आप लोगों ने तो देखा, मैंने आपको यहाँ पे आके एनआईटी के बारे में दिखाया, एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मतलब काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड किया हो यार। आप लोग थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा प्यार दिखाओ यार, इससे मैं भी मोटिवेट हूँ। एंड इस ब्लॉग में मुझसे जितना हो पाया मैं उतना आप लोग को बताया एनआईटी के बारे में, हाँ ज़्यादा भी तो मैंने नहीं बता पाया, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बताता हूँ यार कि कुछ गलत बोल दूँ ज़्यादा के कारण, जितना आता है बस उतना ही बताऊँगा, ठीक है। तो फिर करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।